बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ईयर, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 9.1। अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 इंटू 10 रेज पावर 6 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मयर 9.3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 रेडियंस। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। आपने डायामीटर ऑफ द सन निकालना। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। वी फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 इंटू 10 रेज पावर 6 किलोमीटर। बाई एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ और सन का फासला जो है ना वो 148 इंटू 10 रेज पावर 6 किलोमीटर, एवरेज का मतलब अंदाजन। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मयर 9.3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 रेडियंस। भाई जमीन से जिसका एंगल है ना सूरज का, वो 19.3 इंटू 10 पर माइनस 3 रेडियंस है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। आपने डायमीटर ऑफ द सन निकालना। ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ पे एंगल भाईजन क्या थीटा है और इसका रेडियस क्या आर है, इसकी जो आर्क लेंथ है वो एल है जी। हेयर आर इज इक्वल 148 इंटू 10 पर 6 किलोमीटर। इसको भाईजन आप इस तरह लिख लो, 1.48 इंटू 10 पर 2 इंटू 10 पर 6, ये बनेगा 1.48 इंटू 10 पर 8 किलोमीटर जी। भाई थीटा हमारे पास है 9.3 इंटू 10 पर माइनस 3 रेडियंस। वी नो एल इज इक्वल आर थीटा जी। आर इज अवेलेबल, थीटा इज अवेलेबल। आफ्टर पुटिंग वी गेट 1.3764 इंटू 10 पर 6 किलोमीटर। ये सो द डायमीटर ऑफ द सन इज क्या होगा जी, 1.3764 इंटू 10 पर 6 किलोमीटर जी। डायमीटर ऑफ द सन हमारे पास क्या, 1.37 इंटू 64 इंटू 10 पर 6 किलोमीटर जी। भाई ये अर्थ है, यहाँ से उसने भैया सन को देखा, उसका जो एंगल है वो है 9.3 इंटू 10 पर माइनस 3। ज़मीन और अर्थ का जो फासला है, ज़मीन और सन का जो फासला है, ज़मीन और सन का जो फासला है भजन वो कितना है, 1.48 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर या 148 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर जी। नो वी नीड एल, डायमीटर ऑफ द सन। तो एल इज इक्वल आर थीटा। भाई एल वांटेड है, आप यहाँ पर आर की वैल्यू थीटे की वैल्यू लिखो एंड वी गेट 1.37 इंटू 64 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। सो डायमीटर ऑफ द सन हमारे पास क्या होगा जी, 1.3764 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर जी। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 किलोमीटर, 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, इज कट, उसको काटा गया स्ट्रेट एंड उसको सीधा किया गया एंड देन बेंट, और फिर उसको बेंट किया गया। सो एज लाई अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुक ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस भाई कितना है 24 सेंटीमीटर, उसको ऊपर लगाया जी। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स। फाइंड मेजर ऑफ एंगल विच इट सबटेंड्स, विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हुक, सेंटर ऑफ द हुक के साथ हमारे पास एक सर्कल है ठीक है जी। इसका रेडियस क्या जी 24 सेंटीमीटर। भाई इसका रेडियस क्या 24 सेंटीमीटर ठीक है जी। अब भैया इसके ऊपर हमने एक पीस छोटा सा लगाया, इसका छोटा पीस लगाया जिसका रेडियस हमारे पास क्या जी 6 सेंटीमीटर जी। उसको भैया हमने जब लेंथ में कन्वर्ट किया तो वो 2πr बन गया जी, वो 12π बन गया। कहते इस वक्त जो एंगल है ना वो आपने फाइंड करना है। भाई बड़ा सर्कल हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर एक छोटा पीस लगाया जी ठीक है जी। छोटे पीस का भैया जब इसके एंड के साथ मिलाते हो ना तो ये जो एंगल है वो उस वक्त आपने मालूम करना। इस सर्कल का, बड़े सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या जी 24 जी, और छोटे सर्कल का रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर जी। भाई छोटे सर्कल का रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, आपके पास एक बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 24 है, उसके एक छोटा पीस लगाया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसको जब इसके एंड से मिलाते हैं तो ये जो एंगल है ये आपने फाइंड करना है जी। भाई जन एक सर्कुलर वायर है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर जिसका रेडियस क्या 6 सेंटीमीटर, इज कट स्ट्रेट एंड, भाई रेडियस 6 कट एंड स्ट्रेट, उसको सीधा किया एंड देन बेंड, और भी उसको मोड़ा गया। सो एज लाई अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुक, एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स
एट द सेंटर ऑफ द हुक, भैया उसका जो सेंटर ऑफ हुक के साथ एंगल बनेगा वो आपने फाइंड करना चाहिए। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, इस काट उसको काटा गया स्ट्रेट एंड सीधा किया एंड देन बेंट और फिर इसको मोड़ा गया सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हुक। एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा हैवी किस्म का सर्कल है जिसका रेडियस का 24 सेंटीमीटर, उसके ऊपर लगा दिया। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, आपने इसका एंगल निकालना है विच इट समटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुक, या सेंटर हुक का जो एंगल बनेगा ना उस छोटे पीस का, उसके किनारों का, वो आपने एंगल निकालना चाहिए। भैया जरा देखें, ये जो छोटा पीस है उसका रेडियस हमारे पास क्या था, 6 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफेरेंस का अगर 2πr, भाई सर्कमफेरेंस का अगर 2πr वी गेट 12π, रेडियस हमारे पास क्या थी 24 सेंटीमीटर बड़े हुक का, थीटा वी नीड एल इज इक्वल आर थीटा, थीटा बराबर का एल ओवर आर, वैल्यूज पुट करके तो π/2 रेडियंस, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा π/2 रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फाइंड द मेजर ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 r² θ, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, वेयर थीटा क्या सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर थी। भैया आपने कहना शो दैट एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपने शो करना है ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, एक रेडियस सर्कल जिसका रेडियस आर है वो होना चाहिए 1/2 r² θ, 1/2 r² θ, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, इसका जो एंगल दिया हो भैया वो थीटा दिया हो। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, उसका रेडियस आर है, उसका जो सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है। आपने एरिया ऑफ सेक्टर आपने मालूम करना है और प्रूफ करना है 1/2 r² θ जी, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपने साबित करना 1/2 r² θ जी। भाई इधर देखिएगा, शो दैट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 r² θ, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, भाई सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है, इस सेक्टर का सर्कल का रेडियस आर है, भाई सेक्टर ये वाला पोर्शन सेक्टर कहलाता है, भैया ये क्या कहलाता है सेक्टर। कंसिडर सर्कल विथ सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर, लेट एन आर्क ए बी सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन जी, भैया फर्स्ट कर लेंगे एंगल कितना बनाता है थीटा विद दी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन, इफ लेट ओ ए बी, ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ रेडियस आर, इज द सेक्टर ऑफ रेडियस आर, भैया हमारे पास ये जो ओ ए बी ए है सेक्टर, भैया ये हमारे पास सेक्टर है जी, भाई जी ये हमारे पास क्या सेक्टर। अब जरा देखिएगा, वी नो रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी टू द एरिया ऑफ अ होल सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द एंगल इंस्क्राइब्ड बाय द सेक्टर ओ ए बी टू द एंगल इंस्क्राइब्ड बाय द होल सर्कुलर रीजन। भजन इसको मैं मैथमेटिकल पेश करता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन बराबर होगा एंगल का सेक्टर, सेक्टर का एंगल ओवर बाय टोटल एंगल ऑफ द सर्कुलर रीजन जी, भाई थीटा ओवर 2π, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी, सेक्टर का एरिया ले लें ओ ए बी का, डिवाइड बाय एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन या पूरे सर्कुलर रीजन का एरिया ले लें, इधर से भैया सेक्टर का एंगल ले लें या पूरे होल सर्कुलर रीजन का एंगल ले लें वो 2π होगा जी। भाई ये रेशो आपस में क्या इक्वल होगी, भाई एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन बराबर होगा सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाई टोटल एंगल ऑफ द सर्कुलर रीजन जी। भाई वंस अगेन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओवर क्या आएगा, एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन बराबर होगा थीटे का एंगल ओवर बाई 2π जी। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी डिवाइडेड बाई π r² जी, भाई सर्कुलर रीजन का एरिया क्या होगा π r² जी, ये थीटा ओवर 2π, सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा, इसको जरूर दे दें आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 1/2 r² θ जी, भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1/2 r² θ, सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा 1/2 r² θ जी, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 1/2 r² θ जी, भाई सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 1/2 r² θ जी, भाई जन सो एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 r² θ जी, भाई जन एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 r² θ जी।
Vajan, question again I repeat, show that area of sector. Area of sector आपने show करना ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, इज वन बाय टू आर्ट्स के थीटा जी भाई, इज वन बाय टू आर्ट्स के थीटा, शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर आपने साबित करना है वन बाय टू आर्ट्स के थीटा, वेयर आर के रेडियस एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर, और भैया थीटा के एंगल ऑफ द सेक्टर जी भाई, हमारे पास ये सर्कल है जिसका रेडियस आर है जी भाई, ये सेक्टर है ओ ए बी, इसका जो सेंट्रल एंगल है भैया वो थीटा जी, आपने इस सेक्टर का जो एरिया साबित करना है वन बाई टू आर्ट्स का थीटा साबित करना है भाई, सेक्टर का जो एरिया साबित करना है वन बाई टू आर्ट्स का थीटा साबित करना है, शो दैट एरिया ऑफ ए सेक्टर, आपने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज वन बाई टू आर्ट्स का थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल, भाई थीटा उसका एंगल है जी, नो प्रॉब्लम भाई, जरा देखिएगा ये हमारे पास सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस आर है, और भैया ये वाला एंगल क्या है सेक्टर का थीटा है और ये रेडियस आर है, आपने इसका एरिया साबित करना वन बाई टू आर्ट्स का थीटा जी, कंसीडर सर्कुलर, कंसीडर सर्कल विद सेंटर एट ओ, सेंटर ओ पे है एंड रेडियस आर और इसका रेडियस आर है, लेट एन आर्क ए बी सबटेंड्स एन एंगल थीटा विद दिस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, भैया ये जो ए बी आर्क है ना ये एंगल कितना बनाती है थीटा, देन एरिया ऑफ सेक्टर, देन ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ रेडियस आर, भाई ओ ए बी को आप क्या बोलेंगे सेक्टर जी, अब वी नो भैया ये एक रूल है, रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, भाई एरिया ऑफ सेक्टर की रेशियो ओ ए बी टू द एरिया ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू, भाई किसके बराबर होगा, रेशियो बिटवीन द एरिया एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय होल एंगल ऑफ द सर्कल जी, सो वी हैव भैया, सो वी हैव टू द रेशियो बिटवीन द एंगल इंस्क्राइब बाय द सेक्टर ओ बी टू द एंगल इंस्क्राइब बाय द होल सर्कुलर रीजन, तो भाई इसको हम मैथमेटिकल लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन बराबर होगा एरिया एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय होल एंगल ऑफ द सर्कुलर रीजन, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या सर्कुलर रीजन क्या होगा जी पाई आर स्क्वायर जी भाई, जिसका रेडियस आर होगा उसका एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, नो क्रॉस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा भैया वन बाई टू आर स्क्वायर थीटा जी, वन बाई टू आर स्क्वायर थीटा, सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का वन बाई टू आर स्क्वायर थीटा जी, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा वन बाई टू आर स्क्वायर थीटा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री एंड 25 डिग्री वेस्ट, द ईस्ट और वेस्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, भैया ये डायरेक्शन ऑफ किबला के अंदर इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं, बहरहाल ये ज़रा हल्का सा बस गुजारा होगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट न्यूज़ भी यहाँ से बना, भैया ये जो सर्कल है ना जो सेंटर से पास करा है और हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं इक्वेटर, भाई क्या है इक्वेटर, और भैया ये जो सर्कल है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से पास करे इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन जी, जहाँ पे इक्वेटर और भैया प्राइम मेरिडियन मीट करते हैं वो ये पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द अर्थ कहलाएगा, ये भैया ये ग्रीनविच लेबोरेटरी है लंदन के अंदर, भाई ग्रीनविच लेबोरेटरी है लंदन के अंदर ही, भाई आप इस इक्वेटर के ऊपर दो सिटीज हैं, एक भैया जिसका लॉन्गिट्यूड है ना 45 डिग्री ईस्ट है भैया 45 डिग्री ईस्ट है और एक का 25 डिग्री वेस्ट है, एक वेस्ट की तरफ है और एक ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, भाई इसका जो लॉन्गिट्यूड है भैया वो क्या होगा जी 45 डिग्री ईस्ट और इसका जो लॉन्गिट्यूड है भैया बी सिटी का वो 25 डिग्री वेस्ट होगा जी, भाई देखो ना भाई बस मसला वाला क्या, ये इक्वेटर है जो लाइन सर्कल को सेंटर से कट करे, जो एक प्लेन जो सर्कल को सेंटर से कट करे और हॉरिजॉन्टल हो उसको बोलते हैं इक्वेटर, और जो सर्कल एक प्लेन जो सर्कल को परपेंडिकुलर को कट करे उसके सेंटर से पास करे उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जहाँ पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन मिलते हैं वो दुनिया का सेंटर कहलाएगा, वो लंदन के अंदर ग्रीनविच लेबोरेटरी इन लंदन जी, ये मैथमेटिकल उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ जी, भजन देखें एक प्लेन है जो स्फीयर के सेंटर से पास करे, एक प्लेन है जो स्फीयर के सेंटर से पास करे और हॉरिजॉन्टल हो उसको बोलते हैं इक्वेटर, और भैया एक प्लेन जो स्फीयर के सेंटर से पास करो परपेंडिकुलर हो इक्वेटर के ऊपर
भैया उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। भाई इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जहाँ पे मीट करते हैं वो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं ये ग्रीनविच लेबोरेटरी इन लंदन। भैया ये ग्रीनविच लेबोरेटरी इन लंदन जी। अब भैया जरा देखिएगा, ये एक सिटी ए है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है। भैया 45 डिग्री ये ओरिजिन को सेंटर के हम रहते हैं ना, ये ग्रीनविच लेबोरेटरी इन लंदन है जी। भैया ये ग्रीनविच लेबोरेटरी इन लंदन है जी। ये भाई इस पॉइंट को आप जी का नाम दे दें जी। भाई ये ग्रीनविच लेबोरेटरी है इन लंदन जी। जी ये भैया दुनिया का सेंटर है जी। एक सिटी ये है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है। और भैया दूसरा सिटी बी है, उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 25 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अब रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। एंगल बिटवीन द सिटीज, बिटवीन सिटीज ए एंड बी इज थीटा रेडियन। भैया ये टोटल एंगल कितना, थीटा रेडियन जी। भाई एंगल को रेडियन में होना चाहिए जी। तो भाई आपने जो साबित करना है ना, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर, भैया यहाँ पे मैयर करना हो तो भैया दो चीज़ें, एक लॉन्गिट्यूड एक लैटीट्यूड। हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो भैया वो लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, और वर्टिकल मूव करेंगे लैटीट्यूड। जिस तरह वो आपने प्लेन के अंदर मूव करना तो हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे उसको बोलते हैं एब्सिसा, वर्टिकल मूव करना तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई बनते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पे जब स्पेस के अंदर हमने मेजरमेंट करना होगा तो जो अलॉन्ग लॉन्गिट्यूड मूव कर अलॉन्ग इक्वेटर मूव करेंगे उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल मूव करेंगे उसको बोलते हैं लैटीट्यूड जी। बहरहाल ये लदा इशू है, पर यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि भाई लॉन्गिट्यूड क्या होता है जी, ये जो एंगल्स होते हैं ऑन इक्वेटर जी। अब भाई जन देखें रेडियस ऑफ अर्थ क्या, हमारे पास 6400 किलोमीटर गिवन है या ये कैलकुलेटेड है जी। अब एंगल बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, वो हमारे पास थीटा क्या है, थीटा रेडियन सी। अब भैया दोनों को जमा कर लो जी, भजन दोनों को जमा कर लो। भजन थीटा हमारे पास होगा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री 70 डिग्री। अब थीटे को भैया रेडी में होना चाहिए, पाई थीटा 70 डिग्री को पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, वो आया 1.222 रेडियन जी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, वो हमें एल है, वो हमें वन थीटा है। वी नो एल इज इक्वल आर थीटा, भाई आर इज अवेलेबल, थीटा इज अवेलेबल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7822 यानी कि 7822 किलोमीटर जो है ना फासला बनेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन सिटीज ए एंड बी भैया वो क्या बनेगा, 7822 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जी। भाई कितना बनेगा, 7822 अप्रोक्सीमेटली इतने किलोमीटर फासला बनेगा जी। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 × 10^5 किलोमीटर, वट इज द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून। आपने लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून निकालनी है जी। भैया फिगर को देखते हैं, ये अर्थ है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसने मून को देखा है भैया, इसने मून को देखा है और इसका जो एंगल है ना भैया अर्थ से जब वो मून को देखते तो भैया वो है 0.5 डिग्री, और इसका भैया अर्थ का और मून का जो फासला है ना वो मैं गिवन है जी 3.844 × 10^5 किलोमीटर। आपने डायामीटर ऑफ द मून निकालना है, एल निकालना है भाई जनाब, भाई जनाब आपने क्या निकालना है, एल निकालना है जी। भाई जनाब आपने ये अर्थ है, ये मून है जी, भाई ये अर्थ है और ये क्या है जी, मून है जी, भाई ये अर्थ है और ये मून है, इनके दरमियान जो फासला है ना वो है 3.844 × 10^5 किलोमीटर। इसका जो एंगल बनता है वो 0.5 डिग्री बनता है जी। आपने डायामीटर ऑफ द मून निकालना जी। By the moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on earth, the distance of the moon from the earth is 3.844 × 10^5 kilometer. What is the length of the diameter of the moon? आपने length of the diameter of the moon निकाला, theta हमारे पास 0.5 degree। भैया हमें यहाँ पे angle चाहिए रेडियन में, इसको pi divided by 180 से multiply करोगे तो भाई जन वो रेडियन में कन्वर्ट होगा जी। इसको भैया कैलकुलेट कीजिएगा, we get 0.008 रेडियंस। अब भैया रेडियस हमारे पास क्या है, 3.844 × 10^5 किलोमीटर जी। भाई रेडियस हमारे पास कितना है, 3.844 × 10^5 किलोमीटर। नाउ डायमीटर ऑफ द मून एल इज वांटेड जी। वी नो एल इज इक्वल आर थीटा, आर की वैल्यू थीटे की वैल्यू की, इसको सिंप्लीफाई किया वी गेट भैया 3355 किलोमीटर।
भैया उसका जो फासला है ना भैया मून का अर्थ का, वो 3355 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। सो डायमीटर सॉरी जो डायमीटर ऑफ मून बनेगा ना, डायमीटर ऑफ मून बनेगा 3355 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ ए स्पेसमैन लैंडिंग ऑन द मून। अपने भैया मून से अर्थ को देखा, उसका जो एंगल है 1 degree and 54 minutes है जी। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। जो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है जी, 6400 किलोमीटर जी। कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। भैया मून और अर्थ का भैया आपने फासला निकालना। अब भैया आपने मून से आदमी को देखा, ये मून है यहाँ पे आदमी खड़ा है, उसने वहाँ से जमीन को देखा, भैया उसने वहाँ से ज़मीन को देखा जी, उसका एंगल दिया हुआ है थीटा, और भैया ये डायमीटर ऑफ द अर्थ दिया और रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, तो भैया रेडियस को डबल करेंगे तो भैया डायमीटर बन जाएगा। हमने मून और अर्थ के दरमियान फासला निकालना है भाई, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। भाई मून और अर्थ के दरमियान हमने फासला निकालना है जी। वंस अगेन द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ, भाई एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ ए स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 degree and 54 minutes। भाई कितना है 1 degree और 54 minutes। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, भैया रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, भैया मून और अर्थ के दरमियान आपने फासला निकालना है भाई, फाइंड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। नाउ वी हैव मून, भाई यहाँ पे आदमी खड़ा स्पेसमैन पे, उसका एंगल थीटा है और डायमीटर ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास है, तो उसको डबल कर लेंगे डायमीटर बन जाएगा। आपने इन दोनों के दरमियान फासला निकालना है, थीटा हमारे पास 1 degree 54 minutes। भाई आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो हमने 1 degree plus 54 minutes कर लिया। अब भैया 54 को 60 से तकसीम करके डिग्री में कन्वर्ट होगा, भाई हल करने के बाद 19/10 डिग्री आ गए भाई, 9 डिग्री इज़ रेडी। इसको भाई पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया रेडियंस में आएगा। थीटा हमारे पास होगा 0.33315 रेडियंस, ये हमें निकला है भाई। रेडियस आपने मालूम करना, यानी कि फासला बिटवीन मून और रेडियस यहाँ पे बन जाएगा। लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लेंथ ऑफ द एल इज इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ वो भाई हमारे पास क्या होगा जी, भैया वो 2 times ऑफ रेडियस, तो वो बनेगा एल हमारे बनेगा 12,800 किलोमीटर। नो एल इज इक्वल आर थीटा, वी नो एल इज इक्वल आर थीटा इंटरनेशनल फार्मूला, आर किसके बराबर होगा एल ओवर थीटा के। नो एल इज अवेलेबल, थीटा इज अवेलेबल, भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 386.065 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, तो हम क्या कहेंगे आर कितना है भैया 386,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। भैया मून और अर्थ का जो फासला है वो 386,000 किलोमीटर है, 386,000 किलोमीटर वो फासला है मून और अर्थ का जी। भजन अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी।